तो आज हम दोनों ने ट्विनिंग करी है। यस, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब तो फिर मैं जब स्नोफॉल होगी तो मैं तो लाजमी आऊंगा यार। एक लव आप, दूसरा सिर्फ मेरे फैमिली चाहिए, मम्मा पापा, उसके बाद खाने काबा, मदीना, और फिर ये जितनी भी नेचर है, समझ रही हो, ये मेरे दिल के बिल्कुल क्लोज है। इधर देखो। नहीं हो सकता, वो डर गया। मॉर्निंग, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जान, ठंड का आलम आप देख सकते हो यार, पेड़ पे जो है ना एक भी पत्ता नहीं है भाई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फाइनली भाई, कल बड़े ही जद्दोजहद के बाद जो है हम रिजॉर्ट आए थे, और रिजॉर्ट में हमारे साथ हमारे चंद फ्रेंड हैं, और साथ साथ भासिल, एजल और भी काफी ज्यादा गेस्ट। काफी मुश्किल हुई थी कल हमें आते, हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो कल तो हम सारे सो गए, एक्सप्लोर नहीं किया। आज इन सबको एक्सप्लोर कराना है पूरा रिजॉर्ट। वो लोग वहां बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो लेट्स गो, चलते हैं देखते हैं क्या नाश्ता। तो भाई यहाँ पर हो रहा है भाई नाश्ता, और फटाफट से करते हैं नाश्ता। सारे ने नाश्ता शुरू कर दिया है, हम रह गए, ठंडा ना हो जाए नाश्ता, तो फटाफट से करते हैं यार। धूप आ रही है, पहाड़ की धूप आपको लगे तो मजा आता है भाई, क्योंकि ठंड होती है रात में, तो दिन में सारी धूप खा जाओ। तो भाई हो चुका हूँ मैं बिल्कुल रेडी यहाँ पर, और अब है भाई सिर्फ निकलने की तैयारी। आज हम जा रहे हैं भाई यहाँ से ऊपर मालमजब्बा, देखते हैं कि आज भी हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा बर्फ ना दिखा के लोगों को, या आज हमें प्राउड होना पड़ेगा, क्योंकि मम लोगों को लाया था इससे पहले बर्फ का बोल के, लेकिन बर्फ नहीं मिली थी। इस बार दिसंबर एंड पर है गाइस, और आप ये चेक करो कि वेदर कंडीशंस जो है ना वो काफी चेंज हो गई है। ठंड जो है ना वो काफी लेट आई है इस बार, दिसंबर एंड है और बर्फबारी नहीं हो रही कहीं पर भी, वरना नवंबर मिड से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती थी। ओए भागो भागो, चलो जी भाई, गाड़ी जो है वो आ चुकी है। तो आज मैं बहुत आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप जगह है, वरना कल तो मैं इतने बैगों में यूं चिपक के बैठी हुई थी, और बासी भी सुकून से सो रहा है। तो भाई अभी थोड़ा सा स्टॉप लिया है भाई, क्योंकि जो है ना कुछ लोगों की हालत खराब हो गई। अरे भाई, तुम मालूम जो पहली बार जा रहे हो क्या? यस। तो तुम्हारी हालत क्या हो गई, क्या हो गया वैसे, क्या क्या? असल में ना मुझे फ्लू ने ढीला करा हुआ है, बंद हो गए कान ही बंद हो गए, बंद हो गया लिटरली, कान मेरी बंद हो गए गाइस। ऊपर इतने हाइट पे आ चुके हैं, कान भी हमारे बंद हो चुके हैं, और साथ साथ ये मीठा खाया जा रहा है भाई, ये गुड़ वाला मुरमुरा है, मजेगा मीठा कैसा ये। और मुन्ना उठ गए भाई, रेस्ट के लिए आप उतरे थे यार, बस चल रहे गाइस। थोड़ी बहुत सी शिफ्टिंग हुई है भाई गाड़ियों की, लारिब जनाब जो है वो वहाँ पर जा चुके हैं, और सभा भी वहीं पर बैठ चुकी है, सो हमारी गाड़ी में सन्नाटा हो गया। हम जाते हुए कवाली एंजॉय कर रहे हैं, अगले 20 से 15 मिनट में हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे वापसी आगे सभा। यार मुझे छोड़ के चले गए आप। अच्छा, मुझे लगा तुम वहाँ बैठोगी। लेट्स गो। मैं ऐसी ही उतरी थी तो कभी ये ऐसे नहीं उतरी थी, अब इसको वहाँ पे मजा नहीं आया तो इसलिए वापस आई, अब शर्माती बता नहीं रही। लग गई भाई पार्किंग, फाइनली पहुंच गए भाई मालमजब्बा, और अभी जो है हमें नीचे जाके जो है वो टिकट्स लेने भाई, ऊपर चेयर लिफ्ट में बैठने के, और नहीं रोना मेरा प्यार मानो, क्यों रो रहे हो। और बैड न्यूज ये थी कि यार, कि स्नोफॉल जो है ना वो नहीं हुई, अगेन सैड। आप सोच सकते हो कि जिस वक्त हो गई तो मेरी खुशी का आलम क्या होगा। तो आज हम दोनों ने ट्विनिंग करी है। यस, ब्लैक एंड व्हाइट। हो यार माशाल्लाह से टेडी लग रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है तुमने कहीं से ना इसको बाय किया है। दोनों बच्चे को इतना पारा बना दिया, ऐसा लग रहा है टेडी बियर है दोनों बच्चे। टेडी बियर है, बेचारों से हिला भी नहीं जा रहे, अकड़े हुए हैं। मैडम किधर जा रही हो? ए हीरोइन। मैडम हूँ मैं, बैग पकड़ा से मतलब थोड़ी मैडम हूँ। चले जी। ओ बहनो, बर्फबारी हो रही, वो पड़ी हुई पीछे, देख बर्फ पड़ी है, वो देख। अब भाई कोई मुझे नहीं बोलेगा कि भाई बर्फ नहीं मिली, भाई सबको बर्फ दिखा दी है भाई, देख लिया बर्फ। चलो, जो फर्स्ट बैठे जल्दी बैठो। पकड़ो। ओ भाई बैग नहीं फेंक देना भाई, चलो। बाय। एक बार फिर हम जेल में बैठ गए हैं, इस बार बहुत मजा आ रहा है क्योंकि सब साथ है ना। अब थोड़ी क्लियर दिख रही है हमें भाई स्नो, जो ये पड़ी हुई है जस्ट, आई थिंक जो पहले हुई होगी काफी दिनों पहले, अब नहीं हुई ना, तो इस वजह से ये बस थोड़ी सी ही बची है। तो अब जब हो जाएगी तो फिर आप देखना 5-6 महीने तक ये सारा व्हाइट रहेगा। मैं जो पागलों की तरह स्नो के लिए आ रहा हूँ बार बार और मुझे नहीं मिल रही है, इसका मतलब तो फिर मैं जब स्नोफॉल होगी तो मैं तो लाजमी आऊंगा यार। एक लव आप, दूसरा सिर्फ मेरे फैमिली चाहिए, मम्मा पापा, उसके बाद खाने काबा, मदीना, और फिर ये जितनी भी नेचर है, समझ रही हो,
ये मेरे दिल के बिल्कुल क्लोज है। पैसा, दूसरी चीजें सब सेकंड थर्ड प्रायोरिटी। जो जी क्या गोल्डन आर हो रहा है पीछे यार, देखिए ना उस पहाड़ पे उसकी रोशनी पड़ी तो पहाड़। हेलो, हाय हाय हाय। अरे भाई गिर जाओगे, रोना तो नहीं डालो। अरे रोना नहीं डालना, चलिए यार। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं उतारना है, कान बाहर निकलने, सर्दी है सर्दी है। देखो 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 कितना ऊपर है हम लोग भाई, देखो अगर रोए धोए अगर नीचे चले गए तो फिर। तो भाई इन्होंने काफी ज्यादा रोना डाला दोनों बच्चों ने, और दोनों बच्चों को जो है ना वो फीडर चाहिए थी, तो जल्दी जल्दी बनाई और एक को इधर लिटा के पिला रहे हैं एक को उधर। तो भाई आंख पे आ गए, कुछ शायद ठंड लगी है, रो रहा है बता नहीं पा रहा है। मेरा थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं फिर। भाई स्लो स्लो सी जो है वो रात होने लगी है, और वो सामने इतनी प्यारी सी लाइन बनी हुई आ रही है सूरज की, और सारे ऊपर जो है वो बादल है। ओए होए होए, मुझे तो लग रहा है भाई कि हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जो है ना स्नोफॉल हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ। और हम जिस टाइम आए तो बस समझो अगर हो गई तो वो हमारा नसीब नहीं है, अगर न्यू ईयर को हो गई तो हम ऊपर जब भी आ सकते। तो गाइस अभी चाय आ गई है, तो फटाफट से पीते चाय और फिर नीचे चल के हमें डिनर भी करना है। तो बासिल जो है ना वो आपके पास ही है अभी तक। सुबह नीचे जाने के लिए हमने लाइन लगा ली है, और यहाँ पर जो है बासिल को नाच सुनाई जा रही है। ओ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, ओ हो, चलो 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 इधर देखो। नहीं हंस रहा, वो डर गया, वो डर गया। जल्दी जल्दी हटना, और बहुत स्पीड हो गई भाई। रात तरतीब सिर्फ बराबर का सुख ना कसान ना कार्ड में देना ना ना कार्ड में कसान मोबाइल जेब मेरा। अच्छा भाई, ओ भाई इतनी स्पीड में जा रही है। बासिल ना इंजॉय की करने की जगह पे ना बहुत रोता है। घूमने फिरने में एक बच्चा आपको तंग ना करे तो आप मजे से घूमते हो, लिटरली मतलब ये छोटा है मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं रोते हैं। बासिल से इंजॉय नहीं होता, बासिल से पता है कहाँ इंजॉय होता है, जो कि मैं इसके बता रहा हूँ इसकी नेचर, इससे घर में अच्छा ज्यादा इंजॉय होता है, और ये बाहर बिल्कुल इंजॉय नहीं करता। रूम में बहुत इंजॉय करता है ये। हाँ वही वही लोग तो ऊपर जा रहे हैं। ओ भाई इतनी रात को अंधेरे में ऊपर क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं। जो पर सब बंद हो रहा है। ओहो कहीं अभी भी लोग ना ऊपर जा रहे हैं। दोनों भालुओं को हमने माशाल्लाह से प्ले एरिया में छोड़ दिया है अब, और दोनों भालू जो है अब खेलते रहेंगे। ये जल्दी नहीं है भाई, जल्दी नहीं है। पेंटिन लग रहा है, देखना यार वो पेंटिन लग रहा है। बासिल दो रहा। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ बच्चे और प्ले एरिया में खुश ना हो। यहाँ पे हमेशा की तरह मासूम ने सब्सक्राइबर के साथ मैच लगा लिया। यहाँ मैंने लारे भाई को क्या कहके भेजा था, मास को लेके आओ, और ये देखिए हरकतें देखिए। तुमको खड़ी हो रही हो बार बार, बैठ जाओ बैठ के खेलो। बाकी बासिल और सबा को इसी गाड़ी बिठा दी हमने, और अभी हम बैठने लगे हैं भाई जुलकर की गाड़ी में, थोड़ा बहुत सा हम भी तो बातचीत करें। आए आए तुम हमारे साथ भाई, प्लीज ग्राम मत देना यार भाई प्लीज भाई प्लीज भाई नहीं नहीं भाई नहीं यार। तो जनाब नीचे तक का सफर जो है ना वो हमारा इन्हीं के साथ है, और देखते हैं भाई की ड्राइव कैसी है। रात का टाइम हो रहा है काफी, और रोड जो है ना काफी स्लिपरी भी हो सकते हैं, और दूसरा के आगे पीछे जो है ना कर्वी रोड है काफी। यस कर्वी रोड है काफी। नाक कटा किया नाटा हुआ भाई गाड़ी में पूरी, चुपचाप जा रहे हैं सारे बजे जब सो जाने सबको चुपना पड़ता है। पहुंच गए जी, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। इजीली चल रही है ऊपर ये फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में डी पे ही चल रही है फर्स्ट पे। ओके जी फर्स्ट पे चल रही है ये। ओए वैसे इजीली चढ़ गई फॉर्च्यूनर पे, सही बात है। फोर गियर चार व्हील की तब चढ़ी। चार व्हील करना जरूरी हो गया था। हां अब हो गया था। मैं तो बस नीचे से स्पीड में लाता हूं। हां ताकि चढ़ जाए ना, तो कि टू व्हील्स वाली जो होती है, क्योंकि यहां पर टू ये आगे वाले टायर ना स्लिप होना शुरू कर, काफी हिल है ये। पहुंच गए जी पहुंच गए। ओए ओए तुमने उतरी, सब तो उतर गए, चलो आ जाओ भाई। क्या हो गया क्या? अबे स्टैचू नहीं है, नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। गाड़ी में रहने उसको भाई, बंद करो, चलो चलो उतरो उतरो उतरो। ये तो कुछ ज्यादा एक्टर हो गई भाई, एटोड भाई कमी पूरी कर रही है। तो यार अभी जो है ना वो सबको ऊपर रूम में हमने भाई भेज दिया, हमने बोला कि थोड़ा बहुत सा रेस्ट कर लो, कमर वमर सीधी कर लो, क्योंकि गाड़ी में जो है ना भाई तबीयत भी खराब हो जाती है ना, तो हमारी गाड़ी में हो गई थी किसी की तबीयत खराब। खाना जो है आज हमने सोचा है कि हम लोग मेन कोर्स ज्यादा मंगवाएंगे, और जो स्टार्टर है वो कम मंगाएंगे। कल क्या हुआ, कल इन लोगों ने स्टार्टर काफी ज्यादा मंगा दिया, सूप बॉल मंगा लिए, विंग्स मंगवा लिए, और जो है फिश मंगवा ली, तो इनका स्टार्टर में पेट भर गया। तारीफें बड़ी अच्छी अच्छी की है यार, खुशी मिली यार, खुशी मिली। जब भी गेस्ट आए ना वो खुश होके जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। तो भाई इन लोगों को भी टेबल बिठा दिया है माशाल्लाह से, आज जो है ना वो काफी ज्यादा लोग आए हैं भाई, ठंड एंजॉय करने आए, सारे सारे ठंड एंजॉय करने आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
भाई आ चुका है भाई हमारा खाना, और खाने में हमारे पास आगे चिकन कढ़ाई और ये आगे विंग्स, चाउमीन और फिश एंड चिप्स। खाते हैं फटाफट से रात का खाना। इन लोगों ने शुरू कर दिया खाना, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं भाई। झूठ कोई नहीं बोलेगा यार, झूठ नहीं। कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत मजा है, विंग्स खासकर बहुत मजे का। विंग्स नंबर वन, विंग्स से ऊपर कोई चीज नहीं लगी। सूप बहुत अच्छा। भाई सबने सारी चीजें स्किप कर दी, सब डिनर की बात करें। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, ऑमलेट इतने मजे के, चीज ऑमलेट इज अ मस्ट अगर आप यहाँ पर आ जाओ। सो भाई खाना हो गया हमारा कंप्लीट, और अब हम निकल रहे हैं भाई वापसी ऊपर की तरफ। और ऊपर जो है ना, अब हम रूम में नहीं जा रहे, अभी हमने बॉन फायर का एहतमाम किया है भाई। हमारा वाला जब से मालूम जब बस आया सो रहा था, तो अभी आलू बॉईल करवाए इन दोनों के लिए, तो अभी उसके लिए रूम में जाएंगे और एजल बाहर खाएगी। हैं उसको भी रूम में खिलाओ फिर। हाँ एजल को भी जो है रूम में खिलाए ना। ओ भाई आइए जाइए, जो ऊपर नहीं चढ़ पा रही, टायर घूम रहा है इसका, ये जा रही है ऊपर। ये जिरगा आ गया, ये कैसा एरिया, ये विलेज टाइप बनाया है हमने। अच्छा हाँ, सिर्फ दो गार्डन होते हैं और तीन रूम्स हैं यहाँ पर। ये पुराने पुराने सारे बर्तन पड़े हुए यहाँ पर। यार पखरा तो बंद करो, मिट्टी है ना इधर, ठंड ज्यादा हो गई। भाई पीछे जो है वो बॉन फायर लग चुका है, और सबकी जो चेयर्स है ना वो अलग अलग है, अपनी अपनी, सब अपनी मर्जी से बैठो। साथ साथ जो हमने म्यूजिक भी लगा दिया है यहाँ पर, किसी को म्यूजिक हल्का बहुत इंजॉय करना है तो वो गजले कवाली लगा के एंजॉय करें। जो बॉनफायर स्टार्ट हमने पहली बार किया है। हाँ। खुद के लिए भी। ओए 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 भाई आग बुझ रही है, आग बुझ रही है। ओ फूंक मारते हैं, आजा फूंक मारते हैं। यार ये बुझ गई। भाई कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, सिर्फ तबला पहले और अभी अतर लगा दिया है। बॉन फायर एंडिंग पर है, और देखो यहाँ पंगे हो गए जुलकर का और लारेब का, लारेब बज लग जाएगी। ओ भाई करीब लिखा वहां से लग जाएगी। ओ भाई ये लगी ना कर सर्वर हाथ पास सब फट जाएगा। अबे नहीं शादी हुई है यार, चलो सो भाई एंड में जो है वो चाय आ चुकी है, और साथ साथ जो है ना अभी बॉनफायर चल ही रहा है, और हम लोग यहाँ पर भी हमें और ज्यादा बातचीत करनी है, ज्यादा मजे करने। 12:30 हुए लाइक सिर्फ बोलो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन एंजॉय के लिए अभी भी टाइम नहीं हुआ ये लोग बोलते। तो मैं इस व्लॉग के दर्शन कर रहा हूं, तो रात काफी हो गई, पर मैं थक जाऊंगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर दो, काफी ज्यादा मजा आया भाई हमें आज के व्लॉग में, और काफी ज्यादा लोग जो है वो आ चुके हैं। अब कल आपको वो दिखाएंगे भाई हम कितने ज्यादा लोग आ चुके हैं, हाउस फुल जा रहा हमारा कल का भी और परसों का भी। तो दो दिन बचे हैं सिर्फ न्यू ईयर में। अच्छा मैं आपको किसी नहीं बताई यार, न्यू ईयर पता है क्या क्या सीन है न्यू ईयर पे, अभी बताऊंगा। एक तो बॉनफायर का सीन है, बॉनफायर ठीक है, हाँ बड़ी वाली, हाँ मतलब और भी लोग होंगे, मतलब हम अकेले एंजॉय करेंगे ना, फिर बहुत सारे लोग एंजॉय करेंगे। दूसरा फायरवर्क से बहुत ज्यादा, तीसरा कवाली नाइट, काफी मजा आएगा। तो कल मिलते हैं फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त कर दो। बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो जो आया जो जो आ रहा है, दिल से रिस्पेक्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।